कानपुर में लाजपत भवन में आयोजित खटक विकास समिति के रजत जयंती समारोह में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व शिवपाल सिंह यादव ने हिस्सा लिया। इस समारोह में अखिलेश यादव ने खटक समाज को संविधान की शपथ दिलाई, साथ ही कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अगर संविधान को बदला गया तो ये ठीक नहीं होगा, ऐसी ताकतों से अपने संविधान को बचा कर रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोग चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो, हम भी यही चाहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अभी अपनी छठी मनाई है। इस सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रयागराज में हाल ही में हुई उमेश पाल की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। भाजपा वाले जाति जनगणना न कराकर लोगों का हक हमसे छीनना चाहते हैं, सपा ऐसा नहीं होने देगी। अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एक रिपोर्ट आई है और जनता का पैसा डूब गया, भाजपा को अपने मित्र अडानी की मदद करने के लिए खुलकर ने आना होगा। इस दौरान सारस पक्षी और जेल में बंद इरफान सोलंकी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं जिससे मिलने जाता हूं सरकार उसे जेल में डाल देती है, मैं अब उन भ्रष्ट अधिकारियों के पास जाऊंगा, देखते हैं सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं। इसी तरह से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान आज खतरे में है, इसकी रक्षा करना देश के हर एक नैतिक कर्तव्य है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा, हम और आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आरिफ वो व्यक्ति है जिसने सारस की सेवा की और आरिफ की जान, आरिफ ने जान बचाई है, और आरिफ से अगर मित्रता सारस की हो गई है तो ये कम से कम वन विभाग और उससे संबंधित जो साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए थी आरिफ की और उस सारस की। सारस को छीन लेना और आजादी में रह रहा था सारस की आजादी को छीन लिया इन्होंने। ये भी कोई कानून नहीं कहता है कि आप सारस की आजादी छीन सकते हैं। अच्छा, आपने इरफान के लिए बोला, इरफान ने भी कोर्ट में पेशी जमा किया तो उन्होंने आपका जिक्र किया था, तो इरफान के लिए क्या कहते हैं? देखिए, इरफान के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय इसलिए हो रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का है। ये बात मैं नहीं कहूंगा कि वो मुस्लिम है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का विधायक है और बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को, उनके नेताओं को झूठे मुकदमे लगाओ और झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें परेशान करो, उनकी संस्था छीनो। ये साजिश है और ये साजिश साफ हो गई जब ये राहुल गांधी उनकी संस्था छीन ली, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब की संस्था छीन ली, अब्दुल्ला की संस्था छीन ली। हम आप लोग बात कहने जाएंगे, प्रदर्शन करने लाएंगे, ऐसी धाराएं लगाएंगे, ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि महंगाई पर, रोजगारी पर और जो अन्याय कर रहे हैं उस पर बहस नहीं चाहते। अतीक अहमद के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी कोर्ट का नहीं, केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जुड़ रहे। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। अभी आपने कहा कि सफाई बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने खबर पढ़ी है कि बारहसिंगा और सारस की ये सेंचुरी बनाना चाहते हैं। ये सेंचुरी बनाए अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, इनके लिए भी कोई ना कोई सफारी मुख्यमंत्री जी को बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।